उसका सिला अल्लाह तबारक व ताला उसे दुनिया में भी दिखा देता है। और दूसरा, हमें मदनी फूल इस वाक्य से, इस हिकायत से ये मालूम हुआ कि सदका देने की बड़ी बरकतें हैं। सदका देने से बलाएं टलती हैं, सदका देने से इंसान की जो मुसीबतें हैं वो दूर हो जाती हैं, और सदका देने से इंसान की परेशानियां ये ख़त्म हो जाती हैं, और सदका देने से इंसान की जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, बीमारियों से नजात मिलती है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम रब ताला की राह में, अल्लाह तबारक व ताला की राह में दिल खोल कर सदका करें, दिल खोल कर खैरात करें। और सदका खैरात करने का मतलब ये नहीं है कि जब तक हम अमीर ना हो जाएं, जब तक हम मतलब के ज़्यादा पैसे वाले ना हो जाएं, हमारा कारोबार अच्छा ना हो जाए, हमारा बैंक बैलेंस अच्छा ना हो जाए, हमारे जो अच्छा घर ना बन जाए, या हमारे पास कोई नौकर चाकर जब तक नहीं होते, तो तब तक हमने जो है वो सदका खैरात नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि होना ये चाहिए कि इंसान को अल्लाह तबारक व ताला ने जितनी ताकत दी है, जितनी वसअत दी है, जितनी उसकी हैसियत है, तो अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, इस्तेआत के मुताबिक उसको सदका करना चाहिए, और उसके अंदर फ़कत अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा होनी चाहिए। और इसका फ़ायदा हमें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। चुनांचे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि यानी उस आग से बचो, अगरचे खजूर के एक टुकड़े को खैरात करने के ज़रिए हो। खजूर का एक टुकड़ा है, पूरी खजूर ही नहीं है। फरमाया कि खजूर के टुकड़े से अगर आग को बचना है तो बच जाओ। यानी जितनी इंसान की हैसियत है, जितनी ताकत है, जितनी इस्तेआत है, उसको उतना सदका करना चाहिए, खैरात करनी चाहिए। इसकी बरकतें हमें दुनिया में भी मिलेंगी और आखिरत में भी मिलेंगी। और उमूमन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि जब हमारे यहाँ खुशहाली होती है, खुश होते हैं, हमारे पास पैसा होता है, तो उस वक्त तो हम सदका खैरात कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब थोड़े हालात हमारे तंग हो जाते हैं, तो जहाँ से आना था रिस्क वहीं से बंद कर देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि इंसान को जब तकलीफ़ों ने घेर लिया हो, इंसान को जब परेशानियों ने घेर लिया हो, इंसान को जब बीमारियों ने घेर लिया हो, इंसान का कारोबार तंग हो गया हो, और जिसे कहते हैं कि मंदी लगनी होती है, जो मंदियाँ होती हैं, जब मंदियाँ लगना शुरू हो जाएँ, तो बंदा इस हालत में, इस सूरत हाल में ज़्यादा से ज़्यादा सदका करे, ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करे, ताकि मैं जितना सदका करूँगा मुझे डबल मिलेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि सदका करने से इंसान का माल कम हो जाता है। बिज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम ये सदका कर रहे हैं, ये खैरात कर रहे हैं, तो इससे हमारा माल कम हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तीन चीज़ों के बारे में कसम खाकर इरशाद फरमाया कि मैं मोहम्मद अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह की राह में माल देने से कम नहीं होता। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सदका देने से, खैरात करने से, अल्लाह की राह में माल खर्च करने से कम नहीं होता, तो फिर इस पर तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए ना। आका अलैहिस्सलाम के जो फरामीन है बेशक सच्चे, 100% सच्चे, इसमें हो ही नहीं सकता कि आका अलैहिस्सलाम के फरमान का जो है वो कुछ गलत इस्तेमाल हो या उनका जो है वो झूठ बाज़ल्लाह उन्होंने बोला हो। तो जब ये हदीस मुबारक हम तक पहुँच गई, अब देखें अगर हम टो में लगे रहे ना कि यार मेरे पास 100 रुपये हैं, अब 50 मैंने सदका कर दिया, मेरे पास 50 रह गए, अब हम टो में लगे रहेंगे, गौर व फिक्र में लगे रहेंगे, सोचते रहेंगे कि यार 50 खर्च कर लिया, अब ये डबल कैसे होंगे, 50 खर्च कर लिया अब ज़्यादा कैसे आएंगे, तो अब इस सूरत में हमारा तवक्कुल ही अल्लाह पर कमज़ोर है। हमारा तवक्कुल जब अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर मजबूत होगा, हमारा ईमान अल्लाह की ज़ात पर यकीनन मजबूत होगा, तो उस वक्त हम अल्लाह तबारक व ताला की राह में सदका करेंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा माल कहाँ से बढ़ रहा है, हमें रिस्क कहाँ से मिल रहा है, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो अल्लाह की राह में माल खर्च कर कर बंदा भूल जाए, उसको याद ना रखे, उसको लोगों में बयान ना करे, उसको बताता ना फिरे। वो कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, तो नेकी करके बंदा दरिया में डाल के भूल जाए, भाई मैंने सदका किया भी है नहीं किया,
अरे सदका भी फिर ऐसे करना है कि आपके दूसरे हाथ को पता ना चले कि यार इसने सदका किया है तो कितना किया है, तो फिर जाकर ये इसकी फजीलतें इसकी बरकतें हमें हासिल होंगी। तो ये इस हदीस मुबारक से वो लोगों के लिए ढारस है कि जो कहते हैं कि यार हम गरीब हैं और हम जो है वो थोड़ा माल हमने खर्च किया। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खजूर के टुकड़े का भी बंदा सदका कर सकता है। खजूर के टुकड़े को सदका करने के ज़रिए से ही बंदा आग से बच जाए। तो ये ढारस है इस हदीस मुबारक में उन लोगों के लिए तसल्ली है जो कहते हैं कि यार हम ज़्यादा माल नहीं खर्च कर पाए। कोई मसला नहीं, आपने ज़्यादा माल खर्च नहीं किया कोई मसला नहीं, लेकिन आपका इखलास के साथ होना शर्त है। एक बंदा है लाखों रुपए खर्च करता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, मस्जिद उसने बनवा ली, मदारिस बनवा लिए, जगह जगह पर उसने मुसाफिर खाने बनवा लिए, अस्पताल बनवा लिए, अब लाखों करोड़ों रुपए उसने खर्चा कर लिया। नीयत क्या है भाई? लोगों की वाह वाह मुझे मिल जाए, लोग मेरी तारीफ करें, लोग कहेंगे यार वाह क्या खर्च करने वाला है, क्या अल्लाह के राह में देने वाला है। अरे लोग मेरी तारीफ करें तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, उसका ये लाखों रुपए करोड़ों रुपए मदारिस बनाना मस्जिदें बनाना किसी खाते में नहीं गया। और एक बंदा है कि जो फकत 10 रुपए 100 रुपए 50 रुपए मस्जिद के चंदे में देता है, फकत उसकी नीयत क्या है? रब ताला की रजा, इखलास उसके अंदर है, तो उसका वो 100 रुपया 50 रुपया 10 रुपया काम आ गया, वहाँ पर लाखों रुपये ज़ाया हो गए। तो बंदा जितना भी खर्च करे उसके अंदर नीयत उसकी अल्लाह तबारक व ताला की रिजा होनी चाहिए खालिस। आशिकाने रसूल, इस बात के अंदर कोई भी शक नहीं है कि जब इंसान को मौत आती है तो उसके अहलो आयाल, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब सब के सब यहीं रह जाते हैं और सिर्फ मुर्दे को तंग और अंधेरी कब्र में उतार दिया जाता है और वहाँ पर सिर्फ अमल ही ऐसी चीज़ है, अमल ही ऐसी शे है कि जो उसके साथ कब्र में जाता है। वो अहलो आयाल के जिन्हें इंसान चैन की नींद सुलाने के लिए अपनी नींदें कुर्बान करता है, वो अहलो आयाल के जिनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए बंदा अपने माल की कुर्बानी भी देता है, अपनी जान की कुर्बानी भी देता है, अपने वक्त की कुर्बानी भी देता है कि यार मेरे इन घर वालों का, मेरे इन बच्चों का, मेरे इन अहलो आयाल का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। लेकिन जब एक ऐसा वक्त आता है कि बंदा इन्हीं की तगो दो में रहता है, इन्हीं की जदोजहद में रहता है, इन्हीं की कोशिशों में रहता है, अपनी आखिरत को पसे पुश्त डाले हुए, तो क्या होगा? फिर इन्हीं घर वालों को अब फिर अपने मुस्तकबिल की फिक्र लाहिक रहती है कि यार ये तो अब चला गया, खिलाने वाला तो चला गया, अब हमारा क्या बनेगा। अरे सारी ज़िंदगी उन्होंने आपको खिलाया पिलाया, आपके लिए जदोजहद करता रहा, यहाँ पर वालिदैन भी सोचें, औलाद भी सोचें, अपने रिश्तेदार भी सोचें, सब सोचें कि वो सारी ज़िंदगी बेचारा हमारे लिए करता रहा अपनी आखिरत की फिक्र किए बगैर, अब ये कब्र में जा रहा है तो इसके पास है क्या, अब इस बेचारे का बनेगा क्या। और हम भी इसके साथ दुनिया में रह रहे थे तो हमें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए थी कि यार ये बेचारा सारी ज़िंदगी इसी दुनिया कमाने में लगा रहा, दुनिया के पीछे ही लगा रहा, आखिरत को पसे पुश्त डाले रहा, तो ये बेचारा चला गया तो हमें इसकी इबरत हासिल करनी चाहिए थी, ना कि फिर हमें अपनी जो है वो फिक्र लायक हो जाए कि यार अब हमारा क्या बनेगा। अफसोस की बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मैयत अभी घर में रखी हुई है, उसको बेचारे को ना गुसल दिया है, ना कफन दिया है, ना तदफीन की है, और अभी से घर वाले लड़ना शुरू कर देते हैं कि भाई ये विरासत का मेरा इतना हिस्सा होगा, इतना हिस्सा निकालना है, इतना उसको देना है, और मैं तो भाई इतना लूँगा, इससे कम नहीं लूँगा। अब कुल खानी करनी है, निकालो कुल खानी के हिस्से में कितने पैसे आपके हिस्से में आ रहे हैं, कितने हिस्से आपके। अफसोस की बात है अभी तक उस बेचारे को दफन ही नहीं किया और अभी से ये मामला चलना शुरू हो गए। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे जो पीछे रहने वाले हैं ना, हम जिनको पीछे छोड़ के जाएंगे, उनका रिस्क हमारे ज़िम्मे नहीं है। हम इस चीज़ के मुकल्लफ नहीं किए गए कि हम मर गए और फिर हमसे ये सवाल किया जाएगा कि भाई पीछे वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो, ना कयामत में किया जाएगा ना कब्र में किया जाएगा। हमें सवाल ये किया जाएगा कि तुम्हारे आमाल कैसे हैं और आमाल क्या लेकर आए हो, तो ये सवाल हमसे किया जाएगा। मैं इस चीज़ का इनकार नहीं कर रहा कि घर वालों के लिए कमाना नहीं चाहिए, कमाना चाहिए, रिश्ते हलाल भी इबादत है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा रिस्क कमाने के चक्करों में अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दे, रिस्क कमाने के चक्करों में बंदा नमाजें ही छोड़ दे, रिस्क कमाने के चक्करों में बंदा गुनाहों में डूब जाए, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। बंदा रिस्क भी करे, कारोबार भी करे, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जो नेक हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, साथ में घर वालों के लिए कारोबार भी करते हैं, घर वालों के लिए कमाते भी हैं। तो मेरे मीठे इस्लाम भाइयों, अच्छे आमाल के बारे में हम सुन रहे थे, तो अच्छे आमाल की जो जजा है वो जन्नत है। इंसान को कोई भी नेक अमल हो, कोई भी अच्छा अमल हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ना जाने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कौन सी नेकी काम आ जाए। एक बुज़ुर्ग के बारे में वाकया मशहूर है, एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब आखिरी वक्त आया तो वो रोने लगे। लोगों ने कहा कि हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, आप तो नेक हैं, परहेजगार हैं, आपने तो ज़िंदगी ही परहेजगारी की हालत में गुजारी है, आपको तो नहीं रोना चाहिए। और बुज़ुर्ग कहने लगे कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पास हैं ही गुनाह, आजजी करते हुए कि मेरे पास हैं ही गुनाह। अच्छा, बंदा नेकियाँ करे तो फिर उस पर अखड़ना नहीं चाहिए, उसको उस पर जो है वो फ़ख्र नहीं करना चाहिए कि भाई मैं तो हूँ ही जन्नती, मेरे पास तो हैं ही नेकियाँ, मेरे पास तो हैं ही तहज्जुद की नमाजें, मेरे पास तो हैं ही हज, मेरे पास तो हैं ही उम्रे, मुझे कौन रोक सकता है जन्नत में जाने के लिए। तो इंसान नेकियां भी करे, अच्छे आमाल भी करे, उस पर उसको फ़ख्र नहीं करना चाहिए। वाकया सुने तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि यार मेरे पास बड़े गुनाह हैं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो इतने में थोड़ी देर रोने के बाद उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरे बेटे को बुलाया जाए। जब उनके बेटे को बुलाया गया तो वो बुज़ुर्ग अपने बेटे से वसीयतें करने लगे कि बेटा जब मेरा आखिरी वक्त आ जाए, मेरी रूह निकल जाए, जब मेरी आँखों से जब आंसू निकलना शुरू हो जाए, मेरे लिए सकरात वाला मामला जब शुरू हो जाए, तो उस वक्त मेरे साथ बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे का विर्द करते रहना, और जब मैं मर जाऊं तो मुझे कफन दफन देने के बाद, जनाजा पढ़ने के बाद मेरी कब्र पर दुआ करना कि या अल्लाह सवजल ये तेरा बंदा है, ये बड़ा गुनाहगार बंदा है, अगर तू इसके गुनाहों को माफ़ करके बख्श दे तो तू बड़ा गफूर है, करीम है, और अगर तू ना बख्शे तो ये तेरी साया निशान है। तो ये दुआ करना, दुआ करने के बाद मेरी कब्र पर काफ़ी देर तक कलमे का विर्द भी करते रहना, ताकि मेरी कब्र पर मुनकर नकीर जब आए तो मुझे उनके सवालों के जवाब देने में आसानी हो जाए। कहा कि फिर इसके बाद अगर चाहो तो भले वापस चले जाना, लौट जाना। चुनांचे बेटे ने अपने बाप की इस वसीयत पर अमल किया, जैसा बाप ने कहा वैसा बेटे ने किया। जब रात सोता है बेटा तो ख्वाब में वाले साहब की ज्यारत होती है और पूछते हैं कि अब्बू जी क्या बना आपका, माफा अल्लाह बिका, अल्लाह ने आपके साथ कैसा मामला फरमाया, क्या फरमाया। तो बाप कहने लगा कि बेटा बड़ा दुश्वार मामला था, बड़ा संगीन मामला था, ऐसा मामला था कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। कहा कि मैं रब ताला की बारगाह में हाजिर हुआ, रब ताला ने मुझसे पूछा कि क्या लाए हो मेरे लिए। कहा कि या अल्लाह 40 हज लेकर आया हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने कबूल नहीं किए। कहा कि और क्या लाए हो। कहा कि 40,000 दिरहम मैंने सदका किए वो लाया हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया मैंने कबूल ही नहीं किए।